हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रेवोल्यूशन। आज आपके सामने पेश है मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ट्रिक। देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या होता है, MACRONUTRIENTS, इसको पढ़ते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसका ट्रिक क्या होता है आपके सामने है, CHONPSK CAMG, चोन पी एस के का मंगता, कौन पास करके का मंगता, मतलब C4 क्या है, कार्बन। C4 क्या है, कार्बन। H4 क्या है, हाइड्रोजन। O4 क्या है, ऑक्सीजन। N4 क्या है, नाइट्रोजन। P4 क्या है, फॉस्फोरस। S4 क्या है, सल्फर। K4 क्या है, पोटेशियम। C4 क्या है, कैल्शियम। MG क्या है, मैग्नीशियम। तो ट्रिक क्या है, कौन, मैं हिंदी में बताऊं यहां पे, कौन कौन का है, तो क्या क्या आ गया, कौन, CHON आ गया, चोन आ गया। ठीक है, देखिए ट्रिक ध्यान समझिएगा, कौन कौन पास करेगी, पी पास, पास पास में क्या आ गया, फास्फोरस सल्फर। कौन पास करेगी, का मांगता, का मतलब कैसे, मांगता क्या है, मांगता, मांगता तो क्या हो गया, मैग्नीशियम। कौन पास करेगी, का मांगता, याद हो गया, कौन पास करेगी, का मांगता आपसे, चौन पीएसके का मंगल, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, दिस इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब लार्ज अमाउंट में किसी भी प्लांट को जरूरत होती है, क्या, लार्ज अमाउंट में। तो दो हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट, याद भी हो गया होगा, चौन पीएसके का मंगल था, कौन पास करे, पास करेगी, कौन पास करेगी, है ना, ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए गया, कौन पास करेगी का मांगता, तो चोन पीएसके का मांगता, है ना, आप पीएसके फास्फोरस सल्फर पोटेशियम याद रहेगा, चोन पास करेगी का मांगता, चोन पीएसके का मांगता। ये क्या है, इसी तरह मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होना चाहिए, मैक्रो लार्ज अमाउंट, कितना लार्ज अमाउंट में, ग्रेटर देन 10 mm मोल पर केजी, कितना से ज्यादा होना चाहिए, इतना से, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कितना 10 mm मोल पर केजी से ज्यादा होना चाहिए, तो क्या होगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट होगा। अब बात करते हैं अपन लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आएगा, ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे, कौन पीएसके का होना था, चौन पीएसके। अब आपका आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो भी फटाफट हो जाएगा, तो ट्रिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब दिन काम देगा, है ना। अब नेक्स्ट है आपका क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, लेस देन, कितना कितना सोना चाहिए, कम, लेस देन 10 mm मोल पर केजी, इतना से कम होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, यानी स्मॉल अमाउंट में चाहिए, कितना अमाउंट में चाहिए, स्मॉल अमाउंट में। तो कौन आएगा इसमें ट्रिक, फेकुमत मोबाइल, क्या है, फेकुमत मोबाइल, कब, जब फोन ना लगे, जब क्या, जब भी कॉल नहीं लगे, ठीक है, फेकू मत मोबाइल, फेकू मत मोबाइल, कब, जब भी कॉल नहीं लगे, नहीं, फेकू मत मोबाइल, कहा जा रहा है, फेकू मत मोबाइल, फेकू मन मोबाइल मुलबेडना एमबी मुलबेडना, कब, जब भी कॉल नहीं लगे, तो एफी से क्या हो गया, मैं भी बताऊं, एफी क्या है, आयरन है, सीयू क्या, नॉट कोबाल्ट,
दिस इज द कॉपर नॉट कोबाल्ट, दिस इज द कॉपर. Mn क्या है? मैगनीज. Mb क्या है? मोलीबेडनम. मोलीबेडनम. Zn क्या है? जिंक. और ये आपको पता है बोरोन. ये क्या है? क्लोरीन. क्लोरीन. और ये क्या है? ये तो आपको पता ही है, निकेल. क्या रहेगा? अब ध्यान दिए, मैक्रो में भी सबसे ज्यादा कौन चाहिए? तो आयरन चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्रो में भी सब कौन चाहिए? तो आयरन चाहिए. तो आई होप आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छे से याद हो गया होगा. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ट्रिक क्या है? कौन पास करे के कामंगता. और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का न्यूट्रिएंट क्या है? फेंकू मत मोबाइल जब भी कॉल नहीं लगे. आई होप दोनों चीज आपको याद हो गया होगा. आप समझ भी रहे होंगे कि भाटी का मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, भाटी का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब जो प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए. तो कितना अमाउंट में चाहिए? ग्रेटर देन 10 एमएम मोल पर केजी. और माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब कितना कम चाहिए? तो लेस देन 10 एमएम मोल पर केजी. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.